हेलो गाइस, वेलकम टू मेहमान नवाजी सीजन 4। वेल, आज हम किसके घर पे आए हैं उसके बारे में एक छोटा सा हिंट देती हूँ आपको। ये एक्ट्रेस है, इन्होंने बिग बॉस 13 के घर पे थोड़ा सा कम समय बिताया हो, भले ही कम समय बिताया है पर ऑडियंस और बाकी कंटेस्टेंट्स का दिल जीतने में ये कामयाब रही है। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, अ सुपर मॉम एंड अ वेरी अमेजिंग ह्यूमन बींग। प्लीज वेलकम दलजीत कौर। हेलो दलजीत, हाउ आर यू? वेलकम, आई एम गुड। चली मसाला के लोग हैं मेरे घर पे। अरे वाह, तो मेहमान नवाजी, आई नो मेहमान नवाजी मेरे घर में कैसे होती है मैं दिखाती हूँ। सो मेहमान नवाजी विद दलजीत, कम ऑन लेट्स गो। This is my hall. Wow, spacious है बहुत ज़्यादा आपका घर। हाँ यार, मैंने actually मुझे because Jaden जब shift किया था मैंने, he was barely 2.5-3, तो मुझे चाहिए था जहाँ पे वो भाग सके, तो literally यहाँ पे cycling भी कर पाता है। So मुंबई में you know getting this kind of space is very difficult. यहाँ इट्स वेरी एयरी, आई एम श्योर इट इज। अरे इतना वेंटिलेशन है दैट वी समटाइम्स यू नो थिंग्स आर फ्लाइंग इनसाइड, छोटा मोटा कुछ रखो तो उड़ जाता है। सो वी हैव टू कीप इट शट बिकॉज इट्स ऑन द 14th फ्लोर। सो या इट्स क्वाइट नाइस एंड एयरी। और ये पेंटिंग्स का शौक रखते हो आप? यार पेंटिंग इज माई पैशन। इवेंचुअली इन माई लाइफ आई थिंक समडे आई विल हैव अ लिटिल स्टूडियो ऑफ माई ओन, दैट्स लाइक अ ड्रीम दैट आई हैव ऑफ माई ओन। एंड हाँ, ये मैंने हो गया टाइम, अभी ये बनाया है फिर ये बनाया है। एक मेरी शुरू हो चुकी है पेंटिंग, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा उसके लिए। आई वॉन्ट टू डू दैट बट आई लव पेंटिंग। ओके, इस पेंटिंग को लेकर क्या कहना चाहिए? यार बुद्धा आई थिंक गिव्स यू पीस। और मुझे कई लोग बोलते हैं कि यू नो आप, और ये सच बात है, मैं बनाना कुछ शुरू करती हूँ लेकिन इवेंचुअली आई एंड अप मेकिंग अ बुद्धा, आई डोंट नो व्हाई। बुद्धा गिव्स मी अ सेंस ऑफ पीस आई थिंक इवन वाइल मेकिंग। सो और जब भी मैं बनाती हूँ एक एक्चुअली आई गेट इन टू दिस जोन वाइल मेकिंग बुद्धा। सो दिस आई मेड नम योर रेंगी क्यू इज वॉट दे चैंट। तो बस बुद्धिज्म का फील, उनके डिसाइपल्स, जैसे ही बस एक थॉट आया बनाया उसमें टेक्सचर। ब्यूटीफुल, थैंक यू। इट्स टेक्सचर्ड, या इट्स टेक्सचर्ड एंड इवन दैट वन इज सो कलरफुल एंड सो, या दिस इज आई थिंक क्वाइट वाइब्रेंट एक्चुअली। ये एक ही हॉल में नहीं होने चाहिए दोनों पेंटिंग्स, अभी मैं अभी रीडू कर रही हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी इन वन, दिस विल बी इन सम अदर वॉल। ये एक्चुअली मेरी सिस्टर आई हुई थी दिल्ली से, और मैंने उनके साथ मिलके आई थॉट, सो आई वाज ऑलरेडी मेकिंग इट। ओके, सो माय सिस्टर इज अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, मतलब उनका तो लेवल ही अलग है। उन्होंने सीखा भी हुआ है, उन्होंने सिखाया भी हुआ है स्कूल्स में, शी इज़ लाइक लर्न, तो उनका हाथ बहुत फाइन है। सो शी हेल्प्ड मी विद दिस, सो बोथ ऑफ अस लाइक वी एंजॉयड, हम लोग म्यूजिक लगाते थे, तो दिस एक्चुअली दैट्स व्हाई आई नेम्ड इट द कॉर्ड्स, आई डिडंट नेम इट, लाइक तो मैं हमेशा दीपा या दलजीत लिखती हूँ, इसको मैंने द कॉर्ड्स लिखा बिकॉज बोथ ऑफ अस एक्चुअली सैट डाउन एंड kind of made it together. So this has another emotional value in my life. अच्छा, एक और यहाँ इंटरेस्टिंग कोना दिख रहा है आपकी लिविंग एरिया में। सो दिस कॉर्नर बेसिकली इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ आई थिंक सेलिब्रेटिंग वट एवर लिटिल अचीवमेंट्स दैट यू मेक। मेरे कुछ अवार्ड्स टूट गए हैं क्योंकि जेरन खेलता रहता है, बट जो भी बचे कुचे बेचारे पड़े थे दीज, दे आर फ्यू, आई गॉट आईटा, आई गॉट स्टार परिवार, आई गॉट अ फ्यू अवार्ड्स। बस सेलिब्रेट, पहला अवार्ड याद है आपको? यू नो जब यू नो आपका नाम अनाउंस हुआ था, फर्स्ट वाज स्टार परिवार अवार्ड, और मुझे याद है मोर देन द अवार्ड एंड मोर देन द नॉमिनेशन, मुझे ये याद है कि जब टेक्निकल रिहर्सल्स थे तो हम तब बहुत बड़े लेवल पे होते थे अवार्ड्स, 2004-2005 की बात करें, क्योंकि तब क्यूकी सास भी बहू थी, कहानी वो रेंज में था, तो मैं वो सब देख कर ही आई थी और मतलब तुक्के से ही एक्टर बनी। लेकिन मुझे याद है जब टेक्निकल रिहर्सल्स हो रहे थे तो हमको बताया जाता कि आप लोग यहाँ बैठेंगे, नॉमिनेटेड हम लोगों के लिए अलग जगह थी, एंड आई सॉ श्वेता तिवारी डांसिंग एंड आई एम नॉट किडिंग, आई वॉज जस्ट लाइक यू नो एक होता है ना कि वी आर सीइंग हर, लाइक दिस इज दिस हैपनिंग फॉर रियल। तो श्वेता तिवारी रिहर्सल्स कर रही थी और
आई जस्ट रिमेंबर दैट मोमेंट लाइक इट वॉज प्रॉबेबली उसके बाद बहुत अवार्ड मैंने डांस भी किया, परफॉर्म भी किए, जीते भी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो मोमेंट आई रिमेंबर इट लाइक यस्टरडे बिकॉज़ आई थिंक स्टारडम जो होता था, आई थिंक आजकल उस लेवल का स्टारडम नहीं होता है, वो लेवल की पॉपुलैरिटी नहीं होती है, तो आई थिंक आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने वो पीक टाइम देखा हुआ है. एंड हम तो छोटे छोटे बच्चे होते थे तो आई वॉज जस्ट लाइक देवर सिंह इधर इधर सर हाँ होल्ड ऑन सो लाइक द वे शी वॉज डांसिंग एंड ऑल आई वॉज इन ऑ. अच्छा ओके क्योंकि हम आपके घर आए हैं, मेहमान नवाजी शो का नाम है, जानना चाहेंगे घर दलजीत के लिए क्या है. घर रियलिटी है. बाहर भले हम कितने फेमस हों, बाहर भले ही हम कितने भी फैंस हों, लेकिन रियलिटी हमारे लाइफ की ये है. व्हेन आई कम बैक और जेरन की आदत है वो भाग के आता है मामी बोल के आता है बिकॉज आई रिंग द बेल और उसको मेरे टाइमिंग इतने करेक्टली पता है कि वो भाग के आता है और वो आवाज़ सुनना इज़ द हाई पॉइंट ऑफ माई डे एवरी सिंगल डे. क्योंकि जिनकी इतनी बात की है हमने वी गो अहेड एंड आई एम सो एक्साइटेड लिविंग रूम से ज़्यादा उसका रूम देखने के लिए. हाँ उसका रूम बहुत कलरफुल है और अब एक्चुअली कुछ दिन बचे हैं क्योंकि आई एम रीडूइंग हिज रूम तो आइए जाते जाते उसका रूम तो डेफिनेटली देखिए. चलिए little paradise of my life actually. Jaden was very young when I shifted in this house aur tab se ab tak I think this has been the closest place to my heart. Jab bhi main koi bhi phase se guzarti hu main yahan par zarur baithti to detox. This is my detoxing place. I'm sure it's so colorful. I mean yes. अभी मतलब क्या हो गया अभी वो बड़ा होते 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 टॉयज ऐड होते 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 थोड़ा क्योटिक हो गया लेकिन ये क्योस में जितनी शांति है ना इट इज आइरोनिक बट इट्स अ फैक्ट. अ लॉट ऑफ मेमोरीज हियर इसलिए मैंने आपको यू नो कहा कि आपका कमरा मुझे बिल्कुल मुझे जेविन का कमरा देखना है. हाँ मतलब जब मैं आई थी तो ऑब्वियसली ये खाली था घर तो मैंने सब स्टिकर्स अपने हाथों से लगाए थे और मेरे एक दो फ्रेंड्स ने भी मेरी मदद की थी और फिर मैंने मेरे दिल में ये था कि मुझे ना मेमोरीज चाहिए तो जहाँ जिस कोने में आप देखोगे एक ना एक फोटो हम दोनों की है. Right. From the time he was born to everything, so. तो जैसे कि आपने कहा बहुत ज़्यादा memories हैं इस room की. इस room को Jaden को तो of course miss किया Big Boss के घर में. इस room को कितना miss किया? बहुत actually you know Big Boss के घर में क्योंकि cameras हर कोने में, हर मोड़ पे, हर चौराहे पर हैं. तो वहाँ ऐसी जगह नहीं है जहाँ peacefully बैठ पाओ और ये कमरा मेरे लिए एक डिटॉक्स है, एक रिजुविनेशन है. तो जब भी बहुत क्योटिक हो जाता है या मेरे डेली सुप बहुत फास्ट मतलब टाइम ही नहीं मिलता और कई बार जेरन के होते हुए भी यू नो वो टाइम अपने साथ नहीं मिल पाता तो मैं यहाँ पर इस रूम में आके बैठती हूँ एंड आई फील दैट पीस. और बिग बॉस में ऐसा कोई कोना नहीं है तो मैं डेफिनेटली और मैं ढूंढती भी थी मुझे लगता था यार ये लोगों ने कुछ तो गड़बड़ की होगी कहीं तो कोई कोना रह गया होगा ना कहीं तो होगा. मैंने हर कोना देखा हर कोने के एंगल्स भी देखे तो कहीं देखती थी वहाँ से कैमरा अच्छा फिर मैं जाती थी मगर मुझे यहाँ जब पीस मिल रहा है ओनली आई नो. Yeah, I'm sure. अच्छा बिग बॉस का सफ़र मैंने ओपनिंग में भी कहा कि आपके लिए भले ही छोटा था पर यू आर दैट वन कंटेस्टेंट यू नो जिन्होंने ऑडियंस के साथ बाकी कंटेस्टेंट्स का भी दिल जीता है. आपके लिए ये सफ़र कैसा रहा? यार बहुत ब्यूटीफुल. आई थिंक जितना और मतलब यू नो सब लोग बोलते हैं यार बिग बॉस के घर में सब झगड़े ही करते हैं ऐसा नहीं है. हम 24 घंटे वहाँ रहते हैं ऑब्वियसली 40 मिनट में आपको हम क्रिसेंडो दिखाते हैं जो हो रहा है लेकिन मैंने बहुत अच्छा टाइम वहाँ बिताया. वहाँ टास्क थे डिफ़िकल्ट भी थे पेट भी दर्द हुआ मतलब मिर्चियाँ भी खाएं किया लेकिन वो एक छोटा पार्ट था लेकिन आई थिंक द बिगर पार्ट वॉज स्टेइंग इन दैट हाउस एंड गोइंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस यू नो. तो आई एम वेरी थैंकफुल मतलब सब कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट थी सबको मेरे लिए और वो मैं बहुत ब्यूटिफुली अपना लेकर आई हूँ बाहर. Yeah, I'm sure. अच्छा यहाँ बहुत सारे टॉयज हैं तो ऐसा कोई टॉय जो यू नो आपके दिल के करीब हो और जो आप यू नो काइंड ऑफ बिग बॉस के घर पे भी लेकर जाना चाहते थे या लेकर गए थे? Honestly, जेरन की ऐसी कोई चीज? हाँ जेरन की मैं एक पेंटिंग ले जाना चाहती थी जो अभी मुझे दिख नहीं रही है. जेरन और मैंने मिलकर एक पेंटिंग बनाई थी. अच्छा. तो वो पेंटिंग मैं ले जाना चाह रही थी फिर उन्होंने बोला कि आप लोग
रहने दो, यू नो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ओवरवेलमिंग आपके लिए. तो फिर मैं फोटोज़ लेके गई थी, तो वहाँ पे आई थिंक दैट दोज फोटोज़ वर द वन जिन्होंने मेरा टाइम निकाला. हर सुबह मैं उसको देखती थी, हर शाम को देखती थी, मेरे पेरेंट्स का लेकर गई थी मैं. लेकिन टॉयज तो देखो सारे के सारे हैव अ मेमोरी. दिस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट टॉय. दिस इज़ अ जीप जो मैं पता नहीं कितने 3 या 4 साल पहले आया था. फिर दिस बरून हैड गिवन आई थिंक क्रिसमस पे उसको गिफ्ट मिला था. Toys और ये toys are like 5% of what he has. तो I have to like give it away या मैं orphanage में दे देती हूँ एक कुछ कुछ सालों बाद. तो toys का तो मत पूछिए, like it's a headache now क्योंकि दिल मानता नहीं है. कहीं भी जाते तो लगता है ये ले लेते. लेकिन फिर where to keep it, Mumbai doesn't have that kind of space, you know. But yeah, ऐसे तो हर toy की कोई ना कोई history है. I'm sure. अच्छा well, Big Boss के घर पे गई है आप, बाहर आकर कितने चेंजेस पाए, खुद में एज अ पर्सन कितने चेंजेस पाए? यार चेंज तो बहुत बड़ा वर्ड है. चेंज होने में तो इंसानों लोगों को उम्र लग जाती है, लेकिन ज़रूर डिफरेंस ज़रूर मैंने देखा. बिकॉज बिग बॉस इतना पॉपुलर शो है, भले ही कोई रेगुलरली फॉलो ना करे लेकिन सबको पता है कि अंदर क्या हो रहा है. अपडेट तो इंसान ले लेते क्या हुआ था, अच्छा ये झगड़ा हुआ था या वट एवर. तो बिग बॉस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, यू नो. और आने के बाद आई थिंक जो मीडिया का मुझे रिस्पॉन्स मिला, आई हैव बीन सो हैप्पी. जो फैंस ने मुझे यू नो अभी तक मुझे जो मैसेजेस आते हैं, जो इतना प्यार है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगा था यार किसी ने वोट क्यों नहीं किया मेरे लिए. मैं तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, ऐसे कैसे हो सकता है. बट व्हेन आई केम बैक एंड सॉ द लव, इट्स ओ सैटिस्फाइड. मतलब आई एम इन ऑ आई थिंक फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि यार इतने सालों काम करने का ना इतना फ़ायदा तो है. Sure. अच्छा लिविंग रूम देख लिया हमने, बेडरूम देख लिया, इतना अमेजिंग, इतना कलरफुल है ये बेडरूम. अभी किचन में जाता है, मैं सोच रही हूँ दलजीत को कितना किचन में पाएंगे हम. ऑनेस्टली विद माई रूटीन मुझे तो मतलब अपने रूम तक आने का भी सफ़र मेरा नहीं हो पाता है. मैं आती हूँ बड़ी मुश्किल से मैनेज करती हूँ. बट व्हेन आई एम एट होम आई ट्राई. जेरन को मेरे हाथ की कुछ चीज़ें पसंद है, उसको मेरा हलवा पसंद है, उसको मेरे हाथ के ऑमलेट्स ही लाइक्स माई बिकॉज आई पुट चीज़, आई पुट मशरूम, जो यू नो मम्मा बहुत टिपिकल तरीके से बनाते हैं. मेरा थोड़ा सा स्वैग है बनाने में, तो ही लाइक्स ऑल दैट. मुझे उतना समय नहीं मिल पाता है, सो आई कांट से कि आई एम यू नो यू विल ऑलवेज सी मी देयर. बट जब भी मौका लगता है आई ट्राई टू पुट दैट लिटिल टच, ताकि जेरन को थोड़ा सा वो क्रेज़ रहे कि मम्मा के हाथ का चाहिए. तो वो आई मेक श्योर कि थोड़ा थोड़ा ऐसे कि यू नो व्हाट योर मॉम कैन डू इट वेरी वेल. तो भी करती हूँ थोड़ा बहुत. और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी इतनी गर्मी में यू नो हो रहे हैं, तो तक गर्मी लग रही है आप लोगों को, तो नींबू पानी बनाया जाए, क्या बोलते हो? यस. या चाय, क्या दिल है बताओ? नींबू पानी इज गुड. आई थिंक लेमनेड साउंड्स नाइस. लेट्स मेक सम फ्रेश लेमनेड. चलिए कम. किचन, दिस इज या एवरी वुमेन्स डोमेन. हर लड़की का डोमेन उसका किचन होता है. ये मेरा किचन है. बिग बॉस के घर पे अपने किचन को डोंट रिमाइंड मी. एक्चुअली पंगा क्या है ना, वहाँ पे हम लोग जैसे घर पे भी मैं बनाती हूँ अगर खाना तो 4 से 5 लोग मैक्स, और बहुत लोग आते हैं तो कभी कभी होता है कि हम 10-12 लोगों का खाना बनाते हैं. लेकिन हर रोज ब्रेकफास्ट लंच और डिनर 13 लोगों के लिए बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो अंदाज़ा थोड़ा मुश्किल होता है. यू नो 5 लोगों के लिए मुझे पता है मैंने 1 या 1.5 प्याज काटा तो हो गया 1 टमाटर, बट वो 4 टमाटर 6 प्याज का और ऊपर से राशन फिक्स्ड होता है हर चीज़, तो इट बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग. लेकिन उसमें मज़ा भी है. और अभी आप क्या बना रहे हो? यार मैं सोचा अभी इतनी गर्मी है तो फ्रेश लेमनेड से अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो जस्ट ट्राइंग टू मेक अ लेमनेड फॉर यू गाइज टू फील फ्रेश. थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर, जस्ट परफेक्ट for everything. Yeah, kitchen is, I think, ये एक जगह होती है जहाँ पे आप every lady has, you know, the sense of ownership comes from here, which is what happens in Big Boss house also. किचन में बड़े दंगे होते हैं. ऐसा कहा जाता है कि जो किचन में you know जगह ले लेता है बिग बॉस के घर में वो ट्रॉफी के करीब होता है. यार आई डोंट थिंक दैट रियली. मतलब मुझे वो जाते हुए भी ये बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं लगी थी बात, क्योंकि वो शायद ये है कि किचन में जो होता है शायद बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप उस जगह पे हर जगह पे आप मतलब एक्टिव हो, लेकिन किचन की वजह से आप जीतते हो आई डोंट थिंक सो.
मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही थी, लंच भी बना रही थी, आई एम आउट इन द फर्स्ट दिस थिंग, तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी डिफरेंस. और इसी बात पे हम कुछ मीठा खाएंगे. हैव सम स्वीट. थैंक यू सो मच. शुड गिव इट टू द व्यूअर्स आल्सो, आप लोगों के लिए. So already with lemonade. Here we go, fresh lemonade. तो क्या बनाया आज? क्या यार स्वीट्स दिख रही है. वैसे आप डाइट फॉलो करते हो? डाइट ज़्यादा तो कोशिश तो करती हूँ ऑब्वियसली फॉलो करने की. मैं लेस कार्ब्स मोर प्रोटीन में विश्वास करती हूँ. दैट्स व्हाई आई एंड अप मेंटेनिंग, क्योंकि डेली सोप के रूटीन में जिम हर रोज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मैंने ये शिद्दत की भी हुई है, अर्ली मॉर्निंग उठ के जिम जाके फिर शूट पे जाना, ये सब कोशिश कर चुकी हूँ. लेकिन इवेंचुअली ना फिर जेरन के साथ टाइम नहीं मिलता मुझे, देन आई गेट एग्जॉस्टेड, क्योंकि एक घंटा पहले जाओ फिर 12 घंटे शूट करो फिर आओ तो नहीं हो पाता. तो मैंने फिर रियलाइज़ किया कि आप अगर डाइट अपनी अच्छी रखो तो मेंटेन तो हो जाता है. लाइक टोनिंग अप शायद कई बार रुक जाती है, बट दैट्स स्टिल बेटर. हाँ, तो किस तरह का रूटीन होता है यू नो व्हेन इट कम्स टू फूड? आई टेक माय होम फूड बाय द रूल बुक. मैं बाहर का कोशिश करती हूँ ना खाऊं. घर से मैं सादा खाना लेके जाती हूँ, वही राइस थोड़ा सा सब्जी व्हाटएवर बेसिक खाना जिसको हम लोग मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों सब मिला के, वैसा कोशिश करती हूँ. एंड आई ट्राई नॉट टू ईट बाहर का, विच इज़ आई थिंक माई मंत्रा ऑफ बींग हेल्दी, बिकॉज नो मैटर वॉट दे से द ऑयल एवरीथिंग इज़ वेरी बैड फॉर द बॉडी. अच्छा, फिर शुड वी स्टार्ट? Yes, the lemonade. Yes, the lemonade. Looks yummy, though. Yay, cheers. Cheers. Not bad, actually. Yeah? Less sweet, that's how I like it. That's how I like it. No, me too. वेल थैंक यू सो मच दलजीत, बहुत अच्छे से आपने मेहमान नवाजी की है हमारी. एक्चुअली ज़्यादा नहीं मिल पाया करने के लिए, बट स्टिल आई एम रियली हैप्पी टू होस्ट. और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि टेली मसाला के जो हमारे फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, मेरी मेहमान नवाजी में थोड़ा सा शामिल हो पाए. और जितना बिजी शेड्यूल चलता है उसमें इतना भी कर मतलब मुझे टाइम मिलना उन लोगों के साथ, थैंक्स टू यू गाइस. सो थैंक यू फॉर कमिंग टू माई हाउस and making this a memorable time. In fact, thank you ki log aapka to ghar dekhna chahte the, sath mein Jiren ka bhi room dekhne ko mil gaya unhe. So it's like cherry actually, on a cake. The actual fact ye hai ki main Jiren ka room pura redo kar rahi hu, to ye probably is one of my few last interviews that I'm giving in his room. और उसके बाद अभी क्योंकि वो अब मुझे बोलता है मम्मी आई डोंट वांट यू टू ट्रेन, आई डोंट वांट ABCD, क्योंकि बड़ा हो गया अभी 6 साल का हो गया, तो अब सुपरमैन और स्पाइडरमैन का टाइम आ चुका है. तो बस अब अगली बार जब मेहमान नवाजी होगी तो पूरा रीडू हो चुका होगा मेरा. फॉर श्योर, न्यू सीजन, न्यू सीजन, फर्स्ट एपिसोड. एंड आई एम हैप्पी कि टेली मसाला के लोग मेरे जो जेरन का ये फेज है उसका एक रूम देख के जा रहे हैं, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी मेमोरी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो दिस इज लाइक अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम टेली मसाला. थैंक यू. कितने अच्छे. ये तो ऑब्वियसली बहुत ओकेजन्स में काम आने वाली है. न्यू ईयर आ रहा है, कितना कुछ आ रहा है. आई थिंक दीज ट्रेडिशनल थिंग्स आर ऑलवेज सो मच फन टू हैव. थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू.